वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम आपको लेनोवो के स्मार्ट प्रोडक्ट के बारे में बता ही रहे थे, यानी स्मार्ट प्रोजेक्टर के बारे में बता ही रहे थे, तो मैंने जल्दी से ब्रेक ले लिया था। लेकिन अब मैं पूरा टॉपिक आपके सामने खत्म करके ही जाऊंगा और आपको मैं उससे पहले कोई ब्रेक नहीं दूंगा। यानी अब आप जरा खुश हो जाएं क्योंकि अब कोई ब्रेक नहीं आने वाली, तो जरा अपनी सीटों के ऊपर बैठ जाए। अगर हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की, तो ये प्रोडक्ट है क्या बेसिकली? यार ये Z4 और रोसा कैसे चेंज है, ये प्रोजेक्टर से कैसे चेंज है? एक स्मार्ट प्रोजेक्टर में और एक प्रोजेक्टर में फ़र्क होता है, क्योंकि जो प्रोजेक्टर होता है ना, वो एक बॉक्स की तरह होता है। उसके अंदर वायर जा रही होती हैं, मुख्तलिफ वायर जा रही होती हैं जो कि कनेक्ट होती हैं पहले तो आपके स्क्रीन से, फिर उसके बाद कनेक्ट होती हैं स्पीकर सिस्टम से, फिर उसके बाद कनेक्ट होती हैं किसी फ़ोन से, फिर उसके बाद कनेक्ट होती हैं किसी इंटरनेट की वायर से, फिर उसके बाद कनेक्ट होती हैं अगर आप कोई गाना सुन रहे हो तो मोबाइल से। 10 चीज़ें कनेक्ट करने के लिए लेता है एक आम प्रोजेक्टर, जो कि कॉस्ट करता है सिर्फ 40,000-50,000 का, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो ये प्रोडक्ट है, ये कुछ वायर नहीं लेता, सिर्फ एक चार्जिंग की वायर लेता है, एक चार्जिंग की वायर। तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो एक वायर लेता है उसकी, और उसके बाद फिर ये खुद अपनी चार्जिंग कैपेसिटी बनाता रहता है, उसके बाद ये चार्ज होता है उससे भी। लेकिन ये चलने के लिए रैपिडली, उसके लिए कोई इस्तेमाल नहीं करता कि भाई इसको जो है वो फौरन चलाते रहें। तो ये क्या चेंज है भाई? आप लोग के अंदर सवाल आ रहा होगा कि भाई हम प्रोजेक्टर से ये क्यों ले लें, हम वही प्रोजेक्टर क्यों ना खरीद लें जिसको सिंपल हो और उसको यूज़ करने में परेशानी होगी। तो बेसिकली ये है ये सीन इसका कि ये डबल HDD है पहले तो, यानी जो आपका जो प्रोडक्ट होगा, जो आपके अंदर इसको कनेक्ट करोगे, वो तो मैं आपको कनेक्शन तो बाद में बताऊंगा, लेकिन HDD मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। डबल HDD यानी आपको हर चीज़ डबल रेजोल्यूशन में मिलेगी, डबल कलर्स में मिलेगी, पहली बात तो ये है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी कनेक्शन की, तो वो होगा किस तरीके से, खरीदोगे किस तरह? पहले आपने इसको ख़रीद के अपने घर में ले आए भाई। अब उसके बाद करना ये कि इसको डब्बे से निकाला है आपने, उसके बाद अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट करना है, यानी मोबाइल के ऊपर आप लेनोवो प्रोजेक्टर के नाम से आप एक प्रोजेक्टर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद उसको कनेक्ट कर लोगे। वाईफाई से कनेक्ट नहीं होगा, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा। ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के बाद आप वहाँ से कोई एप्लीकेशन भी चला सकते हो और वहाँ से डायरेक्टली उसको प्ले भी कर सकता है। यानी फॉर एग्जांपल इसको वो आउटपुट वहाँ से लेगा, अपने अंदर इनपुट करेगा और फिर आउटपुट दे देगा। यहाँ तक कि इसके अंदर ये चीज़ डालेगा। ये अगर हम बात करते हैं Z4 अरोड़ा की, तो Z4 अरोड़ा कनेक्ट नहीं करता था मोबाइल को, वो अपने अंदर ही कोई चीज़ चलाता था, यानी प्रोडक्ट जो है वो अपने अंदर ही यूज़ करता था। लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये कोई चीज़ अपने अंदर नहीं चलाता, ये उससे पिक करता है, उसके बाद फिर चलाता है। लेकिन ये करेगा ये कि आपने इसको कनेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर आप जब इसकी स्क्रीन ऑन करोगे तो आपका प्रोजेक्टर आपके सामने आ जाएगा। इसके अंदर लगे हुए हैं 2 HD, तो डेफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दी, लेकिन इसके अंदर लगे हुए हैं अल्ट्रासोनिक स्पीकर्स। करते ये हैं कि वो आपको एक स्पीकर से बहुत बेहतरीन आवाज़ देते हैं, जो कि इसके साथ डिटैच होकर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उसको अपने इसके अंदर प्लग कर दिया, यानी ये कह सकते हैं कि डॉक के अंदर प्लग कर दिया, तो वो स्पीकर उसके अंदर के चलेंगे, यानी इसके बिल्ट इन स्पीकर चलेंगे। लेकिन अगर आपने उसको उससे अलग कर दिया, जो कि पीछे आपको वीडियो में अच्छी तरीके से नजर आ रहा होगा किस तरीके से डिटैच हो रहा है, तो वो नीचे खुद ब खुद आ जाएगा। और उसके बाद जो है आप कोई भी चीज़ प्लग इन करके उसके बाद इंजॉय करो, और उसके बाद आप अपने स्पीकर लगा सकते हो। यानी Z4 अरोड़ा के अंदर आप कोई स्पीकर नहीं लगा सकते थे। अगर आपने Z4 अरोड़ा की अभी तक वीडियो नहीं देखी, तो यूट्यूब के वो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो, जिसके अंदर वो स्पीकर कोई भी अटैच अपने अंदर नहीं कर सकता था, लेकिन इसके अंदर आप स्पीकर लगा सकते हैं और उसके बाद जो है वो सारा इंटरफेरेंस खुद इंजॉय कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने एक डिफेक्ट पीस बताया था, अगर इसके अंदर भी कुछ फॉल्ट्स हैं वो मैं आपको एडजेंट बताऊंगा, लेकिन उसके अंदर मैंने आपको यही फॉल्ट बताया था कि उसके अंदर हेडफोन जैक नहीं था, उसके अंदर अपना खुद का वाईफाई था। तो उसके बाद इसके अंदर वाईफाई नहीं है, आपने उसको कनेक्ट करने के बाद जो इसको रख लिया, उसके बाद फिर आपने सारा HDD इंटरफेरेंस इंजॉय किया। इसके साथ साथ प्रोसेसर लगे हुए हैं बहुत सारे, जो कि इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि भाई जो पिक्चर है उनकी क्वालिटी अच्छी आ रही है नहीं आ रही। उसके बाद अगर हम बात करें की चार्जिंग कैपेसिटी की, तो ये 2 घंटे जो है वो चार्ज होता है, उसके बाद 3 दिन का चार्जिंग बैकअप देता है, यानी 3 दिन आप कंटिन्यूसली मूवीज वगैरह सब देख सकते हो। प्रोजेक्टर्स इतना जिंदगी में इन्फ्लुएंस ले आएंगे, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैं बोलता था कि आप मोबाइल पे देख लें, आप मोबाइल पे देख लें कोई भी वीडियो, लेकिन आप प्रोजेक्टर से कनेक्ट करके आप इतनी सारी चीज़ें खुद बहुत कर सकते हो यार। यानी आप अभी भी सोच रहे होंगे कि प्रोजेक्टर की जरूरत क्या है, लेकिन हम खुद भी तो यूज़ कर सकते हैं कि जब उसकी प्राइस सुनोगे तब आप बोलोगे कि हाँ इट्स वर्थ इट, और हमें बिल्कुल खरीदनी चाहिए, और आपको बिल्कुल खरीदनी भी चाहिए। लेकिन अगर हम इसकी और अंदर की प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो उसके प्रोसेसर के अंदर जो चीज़ फिट की गई है, इसके जो अल्ट्रासोनिक स्पीकर हैं वो जो उसके साथ डिटैच है, उसके अंदर तो मेन माल मसाला है, क्योंकि उसके अंदर से जो जितना भी इंटरफेरेंस है स्पीकर के अंदर का,
है यानी उस प्रोडक्ट के अंदर का, वो आपको वो खुद ब खुद आप गवर्न कर सकते हो मोबाइल के जरिए। यानी मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद आपने जो है वो स्क्रीन एडजस्ट कर ली, उसकी जो उसके आगे स्क्रीन आ रही है उसको एडजस्ट करने के बाद, उसके कलर एडजस्ट करने के बाद आप कोई भी मूवी जो है यूट्यूब के ऊपर प्ले करते हो तो वो खुद ब खुद आगे आ जाएगी। पहले मैंने आपको वापस बताया, आउटपुट लेगा, इनपुट करके फिर आउटपुट कर देगा। यही खासियत है इस पूरे प्रोजेक्टर की। और इस प्रोजेक्टर की जो प्राइसिंग है वो तो यार ये मुझे सबसे बेहतरीन लगी, तो मैं आपको एडजेंट बताऊंगा क्योंकि अभी तक मुझे सस्पेंस हो रहा है। लेकिन उसके अंदर की पहले मैं चीज़ें बता दूँ, उसके अंदर 3 सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि ये सेंस करते हैं कि भाई आपने जो है वो क्या करना है अपने साथ, यानी कहाँ इसको रखा हुआ है, क्या डिलीवरेबिलिटी है। उसके बाद अगर आप उसको फ्लिप कर देते हो तो वो पूरी स्क्रीन फ्लिप हो जाएगी, और अगर आप उसको नीचे कर देते हो तो स्क्रीन नीचे आ जाएगी, और आप इसको ऊपर बैठ के भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बेड के ऊपर लेटे हो और आपको सीधा देखने का शौक है तो आप मूवी जो है वो सीधी देख सकते हो, और ऊपर जो है वो यानी आपकी ऊपर का जो दीवार है, यानी आप ऊपर देखें ऊपर की जो दीवार है उसके ऊपर स्क्रीन आएगी और आप लेटे लेटे देखोगे। अगर आप बेड पे देख रहे हो अपना, यानी अगर आप पूरा शो बेड के ऊपर देख रहे हो तो आप मोबाइल रखें और देखें कि भाई ऊपर देखने में कितना मज़ा आता है। यानी आपको कोई चीज़ भी नहीं करनी, ऊपर बैठ के मूवी देखनी है, जब आपको सोना है सो जाए, वहाँ पे छुट के वहीं से कंटिन्यू करके फिर ऊपर देख लें भाई। यानी स्क्रीन को यूं करने का भी नहीं है। पिछली दफ़ा साइंटिफिक रीजंस की वजह से कुछ तहकीकात सामने आई थी कि भाई जो यहाँ से जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है ये बहुत ज़्यादा दर्द करना शुरू कर देती है, यानी बूढ़े जब हम हो जाते हैं उसकी वजह से, कि हम मोबाइल जो है फ़ौरन यूं यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर आ जाता है चोक आ जाता है। उस चोक के बाद जितने भी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमारे यहाँ से शुरू होते हैं, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड तक पीछे जाते जाते इतने फैल जाते हैं बुढ़ापे तक कि आप जो है वो मोबाइल फ़ोन की वजह से जो है वो आपकी हालत हो जाती है। और ज़्यादातर जो मूवीज़ होती हैं वो टैबलेट्स के ऊपर और मोबाइल्स के ऊपर ही देखी जाती हैं अगर हम रात में घरों की बात करें तो। लेकिन हमें यही स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि हम जो है वो मूवी इंजॉय कर लें। बेशक आपको गुनाह उस वक्त भी मिल रहा है, लेकिन बेशक आपको उसी के साथ साथ आपकी आँखें उस वक्त भी ख़राब हो रही हैं, लेकिन आपकी कम आँखें ख़राब हो रही हैं और आपको जो है वो गुनाह तो उतना ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर हम बात करें आपके गर्दन के पीछे के हिस्से की तो ये बच रहा है, यानी आप जो दुनिया में बच रहे हो, दीन का आपका अपनाया, आप मूवी देख रहे हो ना भाई, वो तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना यार, प्रोडक्ट तो बताना मेरा काम है। लेकिन उसके साथ अगर हम बात करें इस पूरे प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये रिलीज होगा 2019 के अंदर और रिलीज होते ही धमाका मचा देगा। अभी तक ये मार्केट के अंदर नहीं आया है तो उसका मैं प्रोडक्ट रिव्यू देता आपको कि भाई यहाँ यहाँ लोगों ने यही चीज़ बात कही है। अब इसके अंदर डिफॉल्ट क्या, इसका डिफॉल्ट ये है कि भाई इसका शेप जो है वो इस तरह का है या किस तरह का स्पेरिकल सा शेप है। उसके बाद जो सेकेंड डिफॉल्ट है इसके अंदर वो है इसके अंदर बटन लगे हुए हैं। बटन होने का नुकसान ये होता है कि बटन अगर ख़राब हो गए तो फिर जो है वो ये कह सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट तो गया, क्योंकि Z4 और के अंदर टच पर पूरा गेम था और उसके अंदर एंड्रॉयड था, लेकिन वो महंगा भी बहुत था और ये अफोर्डेबल है और इसके साथ साथ इसके अंदर बटन है तो फिर तो जाहिर ही बात है आपको खुद भी यूज़ करने मज़ा आएगा। आप बोलोगे कि यार काफ़ी अच्छा लगा हमें प्रोडक्ट, और आप देखें प्रोडक्ट को देख के बोलोगे तुम्हें देख के ऐसा लगता है बड़े अच्छे लगते हो, लिरिक्स भूल गया मैं, लेकिन प्रोडक्ट बहुत खुश ऐसा होने वाला है कि आपको खुश कर देगा और आपके घर वाले बोलेंगे कि वाह क्या चांस है बेटा हमारा हमारे लिए क्या लेके। अगर आप मूवीज़ के शौकीन हैं, और अब तो एक फाइनल बात करने जा रहा हूँ मैं, जिसके बाद जो है मैं ये बोलूँगा कि यार एंड हो गया Z4 Aurora और कोई भी प्रोजेक्टर अभी तक 3D के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट 3D के ऊपर भी काम कर रहा है आफ्टर दिस अफोर्डेबल प्राइस। ये बहुत मुश्किल था लेकिन ये 3D के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इसके अंदर जो है वो डब्बे के अंदर भी आपको एक दो ग्लासेस मिलेंगे ताकि आप 3D इन्फ्लुएंस भी ले सकें और आप इसको एंजॉय कर सकें। अब बात करते हैं इसके बॉक्स के अंदर क्या होगा। इसके अंदर दो आपके पास चश्मे होंगे 3D के, एक इसका प्रोडक्ट होगा, उसके बाद डॉक होगा, डॉक के बाद चार्जिंग केबल होगी, हैंड फ्री होगी, वायर होगी HDMI ताकि आप लैपटॉप से कनेक्ट कर लो वो सामने आ जाए ताकि कोई प्रेजेंटेशन हो, मोबाइल से कनेक्ट करने की भी वायर होगी, और उसी के साथ साथ एक एप्लीकेशन का कोड होगा जो कि आपको गिफ्ट रिडीम कोड देगा, यानी कुछ आपको स्पेशल ऑफर देगा। यानी एप्लीकेशन के अंदर भी कुछ मूवीज़ होती हैं ताकि अगर आपको वो प्ले करनी है नेटफ्लिक्स की तरह तो आप वो प्ले कर सकते हो। आप उसकी प्राइसिंग पे चलते हैं, इसकी प्राइस है ओनली 17,000 rupees, यानी 75,000 से जो चीज़ आई है वो अब 17,000 पे आ गई है। यानी सारी चीज़ों के बाद जब आप चीज़ सोचते हो कि यार ये 17,000 की थी तो फिर आप बोलोगे कि भाई ये क्या हो गया है मेरे साथ जुल्म, क्योंकि ये $170 का बाहर मिल रहा है तो यहाँ पे तकरीबन ये 17,000 का हमें मिल ही जाएगा, 17 नहीं तो 18 का तो मिल ही जाएगा। और 18,000 में भी कोई हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है तो ये बहुत हमारे लिए गनीमत की बात होगी, क्योंकि ये बहुत ऑन प्रोडक्ट है। उसको देख के खुद ब खुद आप बोलोगे कि यार ये क्या चीज़ मिल रही है मुझे। यानी अगर मैं इस प्रोजेक्टर को देख के ये बोलूँगा अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम तुम्हें, पाके ज़माने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम, तो इसी के साथ मुझे
मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते आपसे मिलते हैं और मैं आपको एक नए प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। तो मुझे नीचे कमेंट से बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको ज़ीफ़र ओडा पसंद है तो वो भी बताना ना भूलें, और अगर कोई ये प्रोडक्ट पसंद है तो आप उसको बताना ना भूलें। अमेज़ॉन के ऊपर आप उसको जाके सर्च कर सकते हैं, अभी तक ये मार्केट में नहीं आया है, लेकिन आप उसको देखोगे तो आप यही बोलोगे कि मैं आपको वो गाना फिर से सुना देता हूं, तो मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। यही होता है भाई प्रोडक्ट को देख के। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के शौकीन हो तो आपको पता होगा कि क्या चीज़ है। तो खैर, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज़।